अब हम बात करने जा रहे हैं कि अलग अलग कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस में, कि टेम्परेचर वेदर का चेंज हो गया या एटमॉस्फेयर का उसका मीडियम का चेंज हो गया जिसमें साउंड चल रही है, या ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, या टेम्परेचर या प्रेशर जो भी चेंज हो गया, तो उस पर साउंड की वेलोसिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो एक हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द, यहाँ थोड़ा चमक रहा होगा, एक सेकंड मैं दोबारा लिख देता हूँ, ऑन द की बात यहाँ लिखे दे रहे हैं, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर, जिसको कि हम साउंड वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये हम यहां से रब कर देते हैं, ये थोड़ा सा चमकता है, जिसको कि हम साउंड वेव कहते हैं। क्लियर है ना, विजिबिलिटी क्लियर है? जो हम लिख रहे हैं वो विजिबल है? राइटिंग ठीक समझ में आती है? हम बड़ा अच्छा लगता है सुनकर के उसे, हमें एक्स्ट्रा अच्छा लगता है, क्योंकि नहीं समझ में आती ना, हम चूँकि जब देखते हैं यहाँ कैमरे पे सामने तो मुझे उल्टा दिखाई पड़ता है ना। ज़रा समझिएगा, हमने कहा कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की हम बात अभी करने जा रहे हैं, कि अगर हम मीडियम एयर जिसको हम कह रहे हैं उसमें साउंड चल रही है, तो उस पर प्रेशर क्या क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं तो क्या इफेक्ट होगा, ज़रा समझिएगा। जब हम बात प्रेशर की कर रहे हैं तो और सब जितने कंपोनेंट होंगे एटमॉस्फेयर के, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, ये सब कांस्टेंट होगी। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई हम जानते हैं, वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड वेव, ये लैंग्वेज हम इसी में लिख रहे हैं, समय में लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर क्या बताई गई है, वही लैपलेस बताएंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपान डी। ये फार्मूला क्या दिखाई दे रहा है आपको? फार्मूला कह रहा है कि भाई यहां पर प्रेशर है, अगर इस फार्मूले को देखिए तो प्रेशर के चेंज होने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड पे इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, लेकिन इसमें एक और चीज तो है, डेंसिटी भी है। अब प्रैक्टिकली आप बात करिए, अगर आप किसी गैस मॉलिक्यूल को दबाते हो तो प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है ना, तो जो मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे दूर जाएंगे? नजदीक आने से डेंसिटी क्या हो रही है, यानी बिना कहे इंक्रीज हो रही हो तो ठीक है, तो जब प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये लग नहीं रहा कि रेशियो एक जैसा रह सकता है? ये हम मैथमेटिकल नहीं बात कर रहे हैं, हम केवल थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली हमको दिख रहा है कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रही है, तो ये तो एक जैसा डेंसिटी भी मतलब चेंज हो रही है। ठीक है, खैर, आपने गैस इक्वेशन पढ़ी है केमिस्ट्री में, सभी ने पढ़ी है ना। देखिए, अब हम यहां बात करते हैं बाई गैस इक्वेशन, चूंकि गैस में ये चल रही है, गैस इक्वेशन वन मोल गैस की बात करता हूं, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, सभी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हम नहीं बता दे क्या है ये, सभी ने पढ़ी है कि किसी ने ना पढ़ी हो तो सुन ले आप, अगर पढ़ी है ना पढ़ी सुन लीजिएगा, किसी गैस का अगर प्रेशर पी है और जिस बर्तन में वो गैस भरी है उसका वॉल्यूम वी है और टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर, और R गैस कांस्टेंट होता है, तो ये PV इज इक्वल टू RT होता है एक मोल के लिए, और जितने मोल होंगे वो यहाँ चेंज हो जाएगा म्यू RT, हम एक मोल की बात कर रहे हैं केवल। अच्छा, चूंकि हमको डेंसिटी भी चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू RT। बट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपान डेंसिटी, ये लिख दिया हमने, तो यहां से पी अपान डी निकाल लीजिए जरा, तो पी अपान डी की वैल्यू क्या आएगी, आर टी अपान एम। जरा ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, यहां आप कह रहे हैं कि पी अपान डी की बात कर रहे हैं, पी अपान डी की वैल्यू आर टी अपान एम हो रही है,
हमने कहा जब एफ एक इफेक्ट की बात करेंगे, जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो टेम्परेचर को नहीं छेड़ेंगे, ह्यूमिडिटी को नहीं छेड़ेंगे, किसी और को चेंज नहीं करेंगे। जरा इधर देखिए, आर गैस कांस्टेंट है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है। एम इज द मास ऑफ द गैस, जो गैस आपने ली है वो भी कांस्टेंट है। टी बचा यहाँ पर, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो बताइए पूरी की पूरी वैल्यू जो कि पी अपॉन डी है वो कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी, यानी इज इक्वल टू कांस्टेंट कब, इफ टी इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट। अगर टी कांस्टेंट है तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब आप कहेंगे आपने कहा इफ टी इज कांस्टेंट, अरे भाई जब मैं बात प्रेशर की कर रहा हूं तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहना ही रहना है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। यानी पी अपान डी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, चेंज हो रही है नहीं हो रही है, यानी कि किसी भी गैस में स्पीड ऑफ साउंड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर के चेंज करने पर स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होती है। बात समझ में आई, से नोट कर ले। लिखा, लिखिए नीचे जरा स्टेटमेंट 10 10, इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, there is no effect of the pressure change on the speed of sound, मतलब sound पर इस pressure change का कोई effect नहीं पड़ेगा अगर temperature constant है तो। अगर की बात हो रही है, आप कहेंगे temperature change हो जाए तो वो वाला केस हुआ, अभी pressure की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका graph खींचूँ तो ज़रा ध्यान समझिएगा, अगर pressure और velocity of sound पे, मतलब ये pressure है और ये वेलासिटी ऑफ साउंड है, जब प्रेशर जीरो था तो कुछ वेलासिटी ऑफ साउंड रही होगी, प्रेशर चेंज करने पर वेलासिटी नहीं चेंज हो रही है, मतलब वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, ठीक है। अगर ग्राफ हो तो इस प्रकार से ग्राफ इसका आएगा, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट आ गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। समझ में आ गई बात, रब कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा बोल दिया करिए, माने भी आधे लोगों को छूट जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर टू, ये नंबर वन पॉइंट चल रहा था, ये पॉइंट नंबर वन था, अब हम पॉइंट नंबर टू की बात करने जा रहे हैं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं। अब हम टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा एक सेकेंड, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो बार बार केल्विन की क्यों बात करते हैं, हम डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस की बात क्यों नहीं करते, क्यों? हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम केल्विन की बात करते हैं जगह, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये डिग्री सेंटीग्रेड और ये फारेनहाइट साहब जो थे, ये क्या गड़बड़ थे, इनका इनकी क्यों नहीं बात की जाती है, क्यों? तो हम यही तो जानना चाहते हैं कि भाई सेल्सियस में क्या दिक्कत थी, टू सेवेंटी थ्री केल्विन ने निकाला था ना, तो मैं केल्विन के पहले सेल्सियस साहब अपना काम कर चुके थे तो उनको क्यों नहीं ये सम्मान दिया जा रहा है, केल्विन के बीच हुआ। सुनिए ध्यान से, एक्चुअली मैं जो लॉजिक, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, जो लॉजिक सेल्सियस का उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक मरकरी ट्यूब ली, सॉरी एक कांच की ट्यूब ली और उसमें उन्होंने मरकरी भरी थी, याद है ना, नहीं याद मतलब मालूम है ना, याद आप वहाँ थोड़ी थे, और इस ट्यूब को ले जा करके उन्होंने फ्रीजिंग वाटर में यानी बर्फ में जाके खोस दिया, और बर्फ में खोसने के बाद जहाँ मरकरी रुकी थी वहाँ जीरो डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था, यही तो उनका एक्सपेरिमेंट था। और जब बॉइलिंग वाटर में इसको रखा तो जहां पे मरकरी रुकी उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया और इस पूरे के 100 कालम किए और कहा एक कालम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, है ना, यही था ना सेल्सियस, यही तो कहते थे कि जहां पर फ्रीजिंग वाटर है वहां पर जो टेम्परेचर होगा उसको हम लिखेंगे जीरो और बॉइलिंग वाटर को लिखेंगे 100,
तो जहां पर वो मरकरी रुकेगी जाकर के बॉइलिंग वाटर में रखने पर उसको लिखेंगे 100, और जहां पर मरकरी रुकेगी और जहां पर रखेगी जीरो पे रुकेगी उसको लिखेंगे 0। यही था ना एक्सपेरिमेंट। खैर यही था, आप नहीं बोलेंगे तो हम बोले दे रहे। फॉरेनहाइट ने यह एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये जो जीरो था वहां लिखा 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और इन्होंने यहां लिखा था 212 डिग्री फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट ने किया था, और इसके 180 टुकड़े किए थे, यानी इसी गैप को उन्होंने 180 पार्ट में बांटा और सेल्सियस सामने 100 पार्ट में बांटा। सेल्सियस ने कहा हर एक पार्ट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे, और फॉरेनहाइट ने कहा हर एक पार्ट को 1 डिग्री फॉरेनहाइट कहेंगे। ये बात समझ में आई हमारी? अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री फॉरेनहाइट में बड़ा कौन है, क्यों है टेम्परेचर ज्यादा है? क्योंकि इसके उन्होंने 100 टुकड़े किया था ना, उन्होंने इसी को 180 टुकड़े में बांटा था, तो इनका टुकड़ा बड़ा होगा 100 वाला, 180 ज्यादा छोटे हो जाएंगे, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा हो जाएगा। ठीक, आप जरा समझिएगा, अगर मैं इसको प्लेन में, मैं आपके गुड़गांव में आता हूँ और इसको यही वाली ट्यूब लेके आता हूँ और इसको पानी उबलते हुए पानी में डाल देता हूँ, और जहाँ पर मरकरी रुकेगी उसको 100 लिख देता हूँ, चलिए उसको 100 मान लेते हैं। अब इसी पाइप को लेकर के आप रोहतांग चले जाइए, हिमालय पे चले जाइए, और वहाँ पानी को उबालिए, और उबालने के बाद में आप यहाँ उस इसी को डालिए, क्या मरकरी यहीं रुकेगी? बॉइलिंग पॉइंट 100 आएगा वहाँ? वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ज़्यादा होता है? कम होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है, तो वहाँ प्रेशर कम होता है तो पता चला कि जो वाटर बॉयल होता है 100 में प्लेन में, वो वाटर बॉयल होगा वहाँ 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारी मरकरी तो यहाँ रुक जाएगी, तो हम इसको 100 नहीं कह सकते ना, जो ये 100 कह रहे हैं तो ये इनका लॉजिक गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो फॉरेनहाइट का कंसेप्ट था टेम्परेचर मेजरमेंट का और जो सेल्सियस का था, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल था, हर जगह ये लागू नहीं होता था, इसलिए हम इसको वहाँ इस्तेमाल नहीं करते। सब बात समझ आ गई? अब आप कहेंगे भाई यूज़ बुखार नापने में डॉक्टर क्यों यूज़ करता है? एक तो इसको हैंडल आराम से कर सकते हैं, आप जानते हैं थर्मामीटर आपने देखा होगा, आराम से हैंडल कर सकते हैं, और केल्विन साहब का कांसेप्ट दूसरा था, वो आपको हीट में पढ़ाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है, सेल्सियस का नहीं किया जाता है। खैर वो छोड़िए, मैंने ऐसे ही बोला आपकी जानकारी के लिए। खैर अब हम बात करने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं गैस का टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ तो वेलासिटी ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा, जरा समझिएगा। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू रूट गामा P अपान डी होता है, और P अपान डी को हम लिखते हैं RT अपान M। तो ऐसा कर देते हैं कि P अपान डी की जगह क्या रखते हैं हम, RT अपान M, इक्वेशन नंबर 1। तो बाई इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट गामा, और P अपान डी को क्या लिखेंगे, RT अपान M। आपको दिख रहा है यहां टेम्परेचर आया कि नहीं आया? तो आपको दिख रहा होगा V प्रोपोर्शनेट अंडर रूट टी, यानी आपने क्या देखा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो गैसेस में होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनेट होती है। ठीक है, तो लिखिए दस द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये नोट कर लिया है ना, दिस नोटेड डाउन। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं कि भाई प्रोपोर्शनल होता है तो कैसे ये एक्ट करता है, कैसे वैल्यू चेंज करता है। देखिए एक नोट लिखिएगा और नोट करके इसको बढ़ाते हैं। हमने मान लिया कि लेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने मान लिया वी जीरो, एंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इट इज वी टी। हमने मान लिया कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो वी जीरो है, और टी डिग्री सेंटीग्रेड पे वी टी है। सो
जब हम वी जीरो की बात करेंगे तो जरा देखिए यहां पर इसमें हम गामा आर अपान एम को अलग कर देते हैं, गामा आर अपान एम को अलग कर देते हैं और अंडर रूट टी यहां चूंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो अब बताइए डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं यानी इसको ले सकते हैं 0+273 273 समथिंग होता है 115 होता है लेकिन वो नेगलेक्ट कर दीजिए और जब वी टी की बात करेंगे तो आएगा अंडर रूट गामा आर अपान एम अंडर रूट ये आएगा टी प्लस 273 ये क्वेश्चन नंबर हो गया वन ये क्वेश्चन नंबर हो गया टू ये टू है ये थ्री है क्योंकि वहां पर वन हम डाल चुके हैं नहीं ये तो नोटिंग लिखा रहे ना वन टू लिखो अब देखिए ध्यान से दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि गामा आर अपान एम को कैंसिल करना है तो डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहां लिख देते हैं वी टी ऊपर अपान वी जीरो इज इक्वल टू यहां पर दिख रहा होगा कि गामा आर अपान एम कैंसिल हो जाएगा और ये रूट के अंदर आएगा तो इसको लिखेंगे 273 प्लस टी अपान 273 और रूट को हमने कर दिया होल पावर 1/2 273 को 273 अपान 273 प्लस टी अपान 273 तो ये आएगा 1 प्लस टी अपान 273 टू पावर हाफ इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी आपने लेकिन आपने ये नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम किसकी दी हुई है हु हैज गिवन द बाइनोमियल थ्योरम सर आइजैक न्यूटन ये न्यूटन का फार्मूला है ध्यान रखिएगा देखिए बाइनोमियल थ्योरम होती है अगर 1 प्लस एक्स टू पावर एन हो तो हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं एक स्टेप को खोल रहे हैं ये जाएगा एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक हम एक स्टेप तक इसको खोल रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन हो गया आपका हाफ और ये हो गया टी अपान 273 ये हमने किया है बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन रीजन लिख देंगे बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन ठीक है अब देखिए अब हम वी टी निकालने जा रहे हैं और वी जीरो को इधर ले जाते हैं तो आएगा 1 प्लस टी अपान 2 इंटू 273 जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको हमने कल बताया था इसके पहले वाले क्लास में ये नोट कर लिया ना इधर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी ऑफ साउंड बताई गई है आपको 332 जब लैपलास ने करेक्शन दिया था न्यूटन के फार्मूले से तो वहां पर बताया गया था 332 होती है तो हमने इसको लिख दिया 332 ब्रैकेट में 1 प्लस टी अपान 2 इंटू 273 देखिए जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो आएगी वैल्यू वो आएगा वी टी इज इक्वल टू 273 ये आएगा 332 प्लस देखो ध्यान से जब 332 टी के साथ जाएगा और अपान में 2 अपान 273 आएगा तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी 0.61 टी ये रिजल्ट आपका आएगा मीटर पर सेकेंड ठीक है तो ये रिजल्ट आया है इसको नोट करिए जरा देखिए ध्यान से अगर मैं यहाँ पर टी को रख दूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो यानी कि टेम्परेचर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी वो 332 देखिए इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दें अगर हम ये लिखा हुआ है वी टी इज इक्वल टू ये लिखा है वी जीरो प्लस 0.61 टी यानी कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 0.61 बढ़ जाती है तो लिखिएगा इफ दिस शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर increases by 0.61 meter per second by 0.61 meter per second per degree celsius rise in temperature per degree celsius rise in temperature per degree celsius rise in temperature यानी अगर आप 1 degree centigrade temperature बढ़ा देते हैं
तो वेलासिटी ऑफ साउंड 0.61 बढ़ जाती है। दो डिग्री बढ़ाएंगे तो उसका 2 times टी बढ़ाते जाओ, वेलासिटी ऑफ साउंड आपको मिलती जाएगी। ठीक है, इसका एक लैब में एक्सपेरिमेंट भी होता है। अब तो चूंकि एक्सपेरिमेंट नहीं कराए जाते, बहुत कम कराए जाते हैं, वो वहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से वेलासिटी ऑफ साउंड निकालना सिखाया जाता है। ठीक, ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप वहीं पे रुक जाएंगे जहाँ हमने वी प्रोपोर्शनल रूट टी पढ़ाया है, ये नहीं निकालेंगे आप। ये तो हमने मैथमेटिकल अप्रोच के लिए निकाला है कि कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, और निकाल भी देते हो तो नुकसान नहीं है। अब थर्ड पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ये नोट कर लिया ना, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। आज बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं, क्या बात है, कह रहे हैं लास्ट दिन है, हम खूब शांत रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे और बोलना अच्छी बात नहीं है। आज बहुत कम लोग बोल रहे हैं, नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ चिल्लाइए। ह्यूमिडिटी, हाँ देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर। मॉइस्चर कंटेन होने पर जो है डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, नहीं एक्चुअली वे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो आकर के वाटर मॉलिक्यूल से चिपक जाते हैं। ठीक है, जो फैले हुए मॉलिक्यूल हैं वो चिपक जाते हैं और सड़क खाली हो जाती है। जैसे सड़क पे बहुत लोग फैले हुए हैं, बहुत डेंस हैं, और वो आपकी प्रैक्टिकल लैंग्वेज ठीक है, वो सही आप कह रहे हैं। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली समझिएगा, हमको साउंड को भेजना है, हम चाहते हैं सड़क खाली मिल जाए और साउंड चली जाए। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी नहीं होती है तो एयर मॉलिक्यूल फैले रहते हैं चारों तरफ, जहाँ भी साउंड जाएगी एयर मॉलिक्यूल उसको मिलेंगी, और जब डेंसिटी हो जाती, जब सॉरी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो एयर मॉलिक्यूल आकर के वाटर मॉलिक्यूल से चिपक जाते हैं और हमको वहाँ पर काफ़ी कुछ गैप मिल जाता है। तो ये माना जाता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पर जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो लिखिएगा, द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। सो बाय फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन d, v प्रोपोर्शनेट 1 अपॉन अंडर रूट d। मतलब मॉइस्चर बढ़ने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी, मॉइस्चर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। तो लिखिए 10 द स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज स्लाइटली ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत नहीं बढ़ती है, लेकिन हाँ थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ बताइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको प्रैक्टिकल हम करके नहीं कर सकते। तुम्हारा मतलब है मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपान, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, ये कहना चाहते हो ना। तो तुम करो मॉइस्चर करेंगे तो मास बढ़ जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, यहाँ पर होगा, हमें यहाँ साउंड से मतलब ये होता है कि साउंड को चलने के लिए रास्ता चाहिए, जरा समझिएगा, हमें साउंड को चलने के लिए रास्ता चाहिए। ठीक है, तो जब मॉइस्चर होती है तो ये कहते हैं भाई ऐसा है गैस मॉलिक्यूल चिपक गए जाकर के उसमें, किसमें मॉलिक्यूल में उसमें किसको कहेंगे, अरे नाम लीजिए, मतलब वाटर में चिपक गए और हमें रास्ता मिल गया। दूसरी बात, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई और चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर एक चेंज हम कर रहे हैं तो हम पहले कह रहे हैं कि और चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ नहीं आ रही तुम्हारी, बात वहाँ लॉजिकल तो हो रही होगी, लॉजिकल है, ठीक है। फिलहाल कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लग रहा है कि साउंड को चलने के लिए रास्ता चाहिए, और जब गैस मॉलिक्यूल जा करके जो फैले हुए थे पूरे कंटेनर में, जब जा करके वाटर मॉलिक्यूल से चिपक जाएंगे ड्यू टू देयर कोहेसन फोर्स,
वो रास्ता उनको मिल जाएगा ज़्यादा और साउंड वहाँ से निकल जाएगी। ठीक समझ में आई, क्योंकि मैकेनिकल वेव होती है उसको रास्ता चाहिए, लॉजिक समझ आ रही नहीं रही है। और अगर गैस मॉलिक्यूल फैले रहेंगे तो साउंड जाके टकराएगी और टकराने से उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप देखिए, जबकि कूलर चल रहा हो और कूलर के पंखे के आगे ऊ करके करो जा करके, बहुत मत नदी कर देना कि घुसेड़ दो मुँह से अंदर, या तो सर ने कहा था, पता चला घर वाले मुकदमा कर दे हमारे ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे जाओ और बड़ी तेज आवाज़ करिए तो आपको लगेगी आवाज़ फटाफट कट रही है आपकी। ठीक है, तो उसको चलने के लिए रास्ता मिल जाता है, इसलिए मान लिया था डेंसिटी कम हो जाएगी। लॉजिक समझ आया, यहाँ जो लॉजिक लिया गया है तो नीचे लिखिए, दस द स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज स्लाइटली ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ठीक है, कर लिया आपने। अच्छा, जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर आपके घर के पास कहीं ट्रेन वेन आती जाती हो या स्टेशन आपके घर के आसपास हो, तो दिन में देखिए वही आप हैं, वही सब कुछ है, कि दिन में आपको जो है जो स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होता है वो सुनाई नहीं पड़ेगा, रात में सुनाई पड़ेगा। क्योंकि रात में क्या होता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो रात में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, इसलिए रात में वो चीज़ दिखाई पड़ती है। अब आप कहेंगे भाई रात में साइलेंस रहता है दिन में नहीं रहता है, आपके घर में तो दिन में भी साइलेंस रहता है ना, आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पर बिल्कुल साउंड नहीं है, तो बाहर से साउंड आनी चाहिए लेकिन नहीं सुनाई पड़ती। या जिसके घर के आसपास कहीं जेल हो, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे घर के पास जेल भी है, मेरे घर के पास स्टेशन भी है, तो जेल में क्या होता है रात में घंटी बजती है, 1 2 3 ऐसे घंटी बजती है। ठीक है, तो दिन में नहीं सुनाई पड़ेगी, रात में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो मालूम होगा कि 1 बजा तो 1 घंटी लगेगी, 2 बजा तो 2 घंटी लगेगी, तो इस प्रकार से सुनाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एयर, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एयर, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एयर, वो पूरी हेडिंग वही रहेगी, ऑन द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, मोशन ऑफ एयर, मोशन ऑफ एयर। कभी आपने देखा हो, देखा नहीं हो, सुना हो, देख नहीं सकते आप, कि कहीं पर लाउड स्पीकर बज रहा हो और कोई कार्यक्रम आ रहा हो, आप दूर से आप सुन रहे हैं दूर से, तो वहां से हवा का झोंका आया तो आपको आवाज सुनाई पड़ रही है, और कभी कभी आवाज उसकी नहीं सुनाई पड़ती है। कभी ऐसा महसूस किया आपने? ऐसा महसूस हम नहीं करते इसलिए क्योंकि हम शहर में रहते हैं और शहर में ऐसा सिस्टम होता नहीं है। जब कभी आपको कहीं गांव साइड अगर जाना हो, कभी आपकी मौसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा हो और आपको वहाँ गांव साइड जाना हो, वहाँ लाउड स्पीकर बज रहा हो, तो एकदम से हवा का झोंका आया और आपको आवाज़ अखंड रामायण की सुनाई पड़ रही है, तो मम्मी ने कहा देखो बच्चा बहुत देर हो गई, आज मौसी बहुत गुस्सा होंगी, इसमें सुंदरकांड चल रहा है, और थोड़ी देर बाद देखा कि आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी क्योंकि हवा उधर चलना शुरू हो गई। ऐसा कभी महसूस किया है आपने? अच्छा, अभी सोच रहे हो कि हाँ करें कि ना करें, ऐसा होता है, छोड़िए अब ज़्यादा ना करिए। मतलब कहीं अगर साउंड है और हवा का झोंका उधर ही जा रहा है, उधर का मतलब साउंड तो चारों तरफ जाएगी, और हवा का झोंका अगर साउंड की तरफ जा रही, मान लेते हैं कि हम सुन रहे हैं आपको, आप हमारे हमसे दूर हैं, तो हम मान लेते हैं कि आपकी आवाज़ मेरी तरफ आ रही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ साउंड है। अगर हवा इधर ही चल रही है तो साउंड सुनाई पड़ेगी, अगर हवा उल्टा चल रही है तो साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, आप एक टेबल फैन ले लीजिएगा घर में, टेबल फैन स्पीड से चला दीजिएगा, अगर किसी के यहाँ वो पेडेस्ट्रियल हो, फर्राटा वाला बड़ी तेज चलता है, और उसके सामने बैठ जाइए और उल्टी डायरेक्शन कोई बैठ के आपकी बात सुने नहीं सुन सकता, क्योंकि आपकी साउंड उधर की ओर भागेगी। यानी कि अगर आप साउंड की स्पीड की डायरेक्शन में, साउंड की डायरेक्शन में हवा चल रही है तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिखिएगा, इफ डब्ल्यू इज द स्पीड ऑफ एयर, इफ डब्ल्यू इज द स्पीड ऑफ एयर, देन नंबर वन लिखिए, द स्पीड ऑफ साउंड along the direction of air, अगर स्पीड ऑफ साउंड एयर की डायरेक्शन में दिखेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट, नहीं v फॉर्मूला थोड़ी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा v प्लस w, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, एयर की डायरेक्शन में जाएगी। और दुआ लिखिए, स्पीड ऑफ साउंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एयर, ये हो जाएगी v माइनस w।
प्रैक्टिकली लॉजिकली ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। हवा आपकी साउंड वेव को कंटेन कर सकती है, आगे की ओर बढ़ा सकती है। अब लिखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला है, आज बहुत लोग शांत बैठे हुए हैं, शांत अब अभी कुछ बच्चे और बोला करते थे, आज कोई बोल नहीं रहा है। मेरे 31 को हम गुस्सा है, एक तो सर से कहा था आज क्लास ऑफ कर दीजिएगा, ऐसा कहा था ना आप लोगों ने, कि कुछ लोगों ने, कुछ लोग कहते कह रहे थे ना कि 31 को क्लास ऑफ कर दीजिए, कह रहे थे कुछ लोग, नहीं सर ने बताया था कि कुछ लोग चाहते हैं कि 31 को छुट्टी कर दी जाए। अब जो लोग कह रहे थे वो बोल नहीं सकते ना, बगल में मम्मी होंगी कहेंगे अच्छा बेटा चुपचाप सर से तुमने बता दिया था, और बाद में घर में कहेंगे क्या करें हम तो पढ़ना चाहते थे, सर ने आज क्लास ऑफ कर दी। यही कहते हो ना तुम लोग, क्यों लान साहब? अब लान साहब कहेंगे मेरा नाम क्या याद हो गया, हम ही को घसीट लेते बीच में। हाँ ठीक है भाई, चुपचाप सर से कह दो कि सर टुडे वी कैंट स्टडी, प्लीज़ 31 छुट्टी कर दीजिए, और जब छुट्टी कर दें तो घर में कह दीजिए क्या करें हम तो मम्मी पढ़ना चाहते थे, आप तो जानती मैं बहुत पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, और सर ने छुट्टी कर दी। खैर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, आप कभी आर्केस्ट्रा पार्टी गए होंगे, अर्णो साहब तो गए होंगे, तो तुम बजाते हो वाद्य यंत्र, तुम नहीं गए हो कभी? हाँ ठीक, वही मेरा मतलब केवल वो शादी वाले आर्केस्ट्रा से नहीं है, जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं तो जहाँ पर सिंगिंग के प्रोग्राम होते हैं वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। अरे कहीं नहीं गए होगे तो शादी में बैंड के साथ चले होगे ना, आज मेरे यार की शादी है उसमें तो चले होगे ना, उसमें एक बड़ा सा भूप होता पों ऐसे बजता है, कुछ ऐसे होता, अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उन सब की इंस्ट्रूमेंट में आर्केस्ट्रा की बात ही करूँगा, शादी वाली बात नहीं करूँगा। मैं जब किसी आर्केस्ट्रा में जाता हूँ, किसी भी सिंगिंग कंसर्ट में जाता हूँ, तो वहाँ देखते हैं बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन आपको सब आवाज़ एक साथ सुनाई पड़ती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर म्यूजिक के साथ मतलब सिंगिंग के साथ आपको आवाज़ एक साथ नहीं सुनाई पड़ेगी, पता चला उसने एक लाइन बोल दिया सिंगर ने, और उस लाइन की म्यूजिक बाद में आपके कान तक पहुंच रही है, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो एक साथ सुनाई पड़ती है ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के बावजूद भी सभी एक साथ आपके तक पहुंचती हैं। तो आपने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर फ्रीक्वेंसी की साउंड एक साथ चलती है। तो लिख लीजिए चाहे, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, there is no effect on frequency on the speed of sound. speed of sound यानी कि हर frequency की light ray एक साथ पहुंचती है। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो अलग होती तो क्या आर्केस्ट्रा की मज़ा नहीं आता आपको ना, जिस लाइन का म्यूज़िक उसके साथ आना चाहिए वो म्यूज़िक बाद में आ रहा है, साउंड पहले आ रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, वो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब लिखिए स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस में हम स्पीड ऑफ साउंड को निकालने जा रहे हैं। ये इफेक्ट समझ में आ गया, बहुत सारे इफेक्ट हमने बताए कि मॉइस्चर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट गैसेस। देखो हम करेंगे क्या, दो अलग अलग गैसेस लेने जा रहे हैं, ठीक है, और उनमें साउंड पास कराते हैं। जब दो गैसेस अलग अलग लेंगे तो उन गैसेस की कौन सा करेक्टर चेंज आप दिखाएंगे, डेंसिटी? भाई जब आप प्रेशर अगर चेंज कर दोगे तो आप क्या फर्क पड़ेगा, एक ही गैस का प्रेशर अलग अलग हो सकता है, दो गैसेस सेम प्रेशर पे लेंगे हम मानेंगे दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। तो लिखिएगा लेट वी वन एंड वी टू बी द वेलासिटी ऑफ साउंड, लेट वी वन एंड वी टू बी द वेलासिटी ऑफ साउंड इन टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर, V1 एंड V2
विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर एंड डी वन एंड डी टू आर दियर डेंसिटीज, एंड डी वन एंड डी टू आर दियर डेंसिटीज। ये तो प्रैक्टिकली आप समझ गए, डेंसिटी तो चेंज होगी थोड़ी बहुत डेंसिटी। देन वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट गामा पी अपान डी वन। देखिए अब गामा तो चेंज हो सकता है, लेकिन हमने दो गैसेस ऐसी ली हैं जिनके लिए गामा कांस्टेंट हो, यानी मोनोटॉमिक लें या डायटॉमिक लें, ऐसी गैसेस हमने ली हैं। एंड वी टू इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट गामा पी अपान डी टू। नाउ जब वी वन अपान वी टू करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है अंडर रूट डी टू अपान डी वन। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। आप कहेंगे इसके पहले भी आपने पढ़ाया था, हाँ वही चीज है लगभग लगभग। तो चूंकि वी वन ऊपर है तो रूट डी वन नीचे है, वी टू नीचे है तो रूट डी टू ऊपर है। तो लिखिएगा दस द वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड लिखिए, द स्पीड ऑफ साउंड is inversely proportional to the densities of gases, to the density of gas, to the sorry, inversely proportional to the square root of the density of gas. Speed of sound is inversely proportional to the square root of density of gas. इस पर numerical बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब चूंकि डेंसिटी चेंज होगी तो मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज होगा। अगर हम मान लें कि इफ एम वन एंड एम टू बी दियर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास लिखिए या वेट लिखो, कोई लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट या मास, मास लिख दो मास। तो आपने अभी एम के टर्म में एक फॉर्मूला लिखा है V इज इक्वल अंडर रूट गामा आर टी अपान एम। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट गामा आर टी अपान एम वन, एंड V2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट गामा आर टी अपान एम टू। तो यहां पर अगर हम V1 अपान V2 निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट एम टू अपान एम वन। तो सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो अभी लिखवाई है, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिकुलर मास। तो यही डेफिनेशन लिखो दोबारा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास। हो गया। अच्छा जब आप किसी गैस मीडियम में बोलते हो तो क्या गैस मॉलिक्यूल नहीं चलते, चलते होंगे नहीं चलते होंगे, सोचे कैसे देखे दिखाई नहीं पड़ते, अगर दिखाई पड़ते मतलब मूवमेंट होता है आपके बोलने से, उन पे फर्क पड़ता है ना, यानी कि आपके बोलने से उसमें फर्क पड़ता, कहीं कंप्रेशन होता है कहीं रेयरफैक्शन होता है, यानी आपके बोलने से साउंड भी चलती है और साउंड की वजह से गैस मॉलिक्यूल उसी हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से आप बोल रहे हो। अब वो कर रहे हो तो कुछ और होगा, ई करो कुछ और, मतलब जैसा आप बोल रहे हैं वैसे हिसाब से वो चलता होगा। तो हम बताने जा रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड और गैस मॉलिक्यूल के जो की जो वेलोसिटी होती है उसमें रिलेशन क्या होता है। तो लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड, रिलेशनशिप between the speed of sound in a gas, speed of sound in a gas जिसको कि हम कहेंगे v, and root mean square speed of गैस मॉलिक्यूल।
अब जरा ये आपने पढ़ा है क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये पढ़ा है आपने? नहीं, सुना सुना सा छोड़िएगा, सुना सुना तो बहुत कुछ लगता है। अब गैस मॉलिक्यूल स्पीड ये सब बोलोगे और रूट बोलोगे, मीन बोलोगे, तो क्लास सेवन्थ में मीन पढ़ा था हमने, रूट हमने क्लास फिफ्थ में पढ़ा था, स्क्वायर हमने पढ़ा था, तो सभी वर्ड सुने सुने से लगते हैं ना, मिक्स करने पर नई चीज निकलती है ये, ठीक है। ये आपने गैस, इसके वेव के पहले गैस वाला चैप्टर है क्या पढ़ा है आप लोगों ने? यस आर नो? है नहीं पढ़ा है? अच्छा, तो कैसे पढ़ाया जाए? खैर मैं समझाता हूँ, हल्का समझाऊंगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। देखिए, एक डेरिवेशन है, पहले तो हम जानते हैं, देखिए, वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस वी इज इक्वल टू अंडरवुड गामा पी अपान डी, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक हम प्रूफ कराने जा रहे हैं, मतलब प्रूफ हल्का सा कराएंगे, पूरा नहीं कराने जा रहे हैं, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल बताने जा रहे हैं। जरा समझिएगा, अगर किसी बर्तन में, किसी वेसल में आप गैस भर दें, और मैं मान लेता हूं कि टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट है गैस का वो कैपिटल एम है, ठीक है, तो इसके गैस मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में रैंडम मोशन करेंगे, जो गैस मॉलिक्यूल होंगे हर डायरेक्शन में रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आप बताना चाह रहा हूं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती क्या है। तो यानी गैस मॉलिक्यूल इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। अब जरा समझिएगा, अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूं और यहां से देखूं कि 10 मॉलिक्यूल इधर गए और यहां से देखूं 10 मॉलिक्यूल इधर गए, तो अगर हम पूछे आपसे, अब बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल इधर है कितने मॉलिक्यूल इधर है, तो आप कहेंगे इक्वल है, पहले जितने थे, तो आपको क्या लगेगा कि स्पीड जीरो है। दूसरी तरीके से, आधे मॉलिक्यूल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, आधे निगेटिव जा रहे हैं, तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो एवरेज जीरो निकलता नहीं निकलता है भाई। अगर मैं किसी भी बर्तन के कई चैम्बर बना दूं, अब एक चैम्बर से 10 मॉलिक्यूल इधर गए और थोड़ी देर बाद 10 मॉलिक्यूल इधर आ गए फौरन, क्योंकि बड़ी स्पीड से चलेंगे, और आपसे हमने कहा बताइए स्पीड क्या है, आप कहेंगे साहब यहां 10 मॉलिक्यूल थे, यहां भी 10 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, स्पीड तो जीरो है। क्यों जीरो आपको लग रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए उनकी एवरेज स्पीड जीरो है। बात समझ में आई? जैसे आपके पास लोहे का एक तार है, ये तो प्लास्टिक का है, मान लेते लोहे का है, लोहे का एक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रही है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रेंडम मोशन कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो नेट स्पीड आप क्या लेते हैं उसकी? जीरो, ठीक है। तो यानी कि आप कहेंगे गैस मॉलिक्यूल की नेट स्पीड जीरो है। तो क्यों जीरो है? क्योंकि कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव है, कुछ वेलोसिटी निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबकी स्पीड का स्क्वायर कर देंगे। फायदा क्या होगा? स्क्वायर करने से जो निगेटिव स्पीड होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आई? स्क्वायर करने के बाद हम उसका मीन निकाल लेंगे। अब मीन जीरो नहीं आएगा क्योंकि हम स्क्वायर कर चुके हैं, ठीक है, और बाद में चूंकि हमने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर को कंपनसेट करने के लिए हम उसका रूट लगा देंगे। भाई किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हो और बाद में उसका रूट कर रहे हो तो इसका मतलब आपने जो स्क्वायर किया उसका काम खत्म, तो इससे वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक फार्मूला डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो डेरिवेशन बहुत लंबा है, वो हम नहीं कराएंगे। देखो, वी नो दैट इफ अ गैस इज टेकन इन अ कंटेनर, इफ अ गैस इज टेकन इन अ कंटेनर then the pressure, then from kinetic theory of gas, अब यह प्रूफ वहां बताया जाएगा, चिंता मत करिएगा, from kinetic theory of gas the pressure of the gas is given by P is equal to 1 upon 3 capital M upon capital V into small v bar square. P is equal to 1 upon 3
कैपिटल एम अपान, हम जानबूझ के कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं, अपान कैपिटल वी इंटू वी बार स्क्वायर। तो कैपिटल एम तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ टोटल गैस, और वी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लिखिए वेयर कैपिटल एम, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ गैस और कैपिटल वी इज अ वॉल्यूम ऑफ वेसल, और जो v बार स्क्वायर है ना वो आपकी क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब आपने क्या किया है, स्क्वायर किया और मीन किया है, तो मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये वाला जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन आपको बाद में बताया जाएगा। गैस मॉलिक्यूल, ये एम अपान वी क्या होता है, डेंसिटी। तो इसको लिख सकते हैं एम्प्लाइज पी इज इक्वल टू वन अपान थ्री डी इंटू वी बार स्क्वायर। तो यहां से वी बार स्क्वायर क्या निकलेगा, थ्री पी अपान डी, और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल लगा दूं तो यही तो आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। यानी इसी को हम लिखेंगे वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब आप कहेंगे भी आप पहले तो स्क्वायर कर रहे हो, तो इंग्लिश में उल्टा बोला जाता ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ और यू बाद में लगा रहे हो, होना चाहिए कैसे हैं आप, लेकिन इंग्लिश उल्टा चलती है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री पी अपान डी। सभी को यह फॉर्मूला समझ में आया? जरा समझिएगा, आपको ये वी आर एम एस वाला ये फॉर्मूला याद करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये डायरेक्ट याद करना है, वहाँ भी हो सकता है याद ही कराया गया हो, सकता है सिलेबस से हटा दिया गया इस बार। खैर, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन वन और टू को। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो डिवाइड करो जरा, ये नोट कर लिया ना, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, v अपान v आर एम एस इज इक्वल टू, ये आएगा अंडर रूट गामा p अपान d अपान अंडर रूट थ्री पी अपान d। तो p अपान d कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा अपान थ्री इंटू वी आर एम एस। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? अब देखो गामा की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है ना, 1.414 भी होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी ना। यानी आपने क्या देखा कि v इज लेस देन वी आर एम एस। क्या आपको दिखाई पड़ा कि स्पीड ऑफ साउंड गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से कम होती है, ठीक है।